आज बड़ा दुर्भाग्य है कि इंडिया अलायंस के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि समय आएगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। उनकी दोहरी नीति मालूम पड़ती है। जिस प्रकार से पूरे चुनाव के अंदर वो कहते रहे कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से अनेकों बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं आरक्षण अगर अंबेडकर जी भी आए वो भी आके खत्म नहीं कर सकते, आरक्षण हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है कि वे चुनावों में किस प्रकार से झूठ बोलकर कि हम आरक्षण हम खत्म कर देंगे, अपने आप को बचाने का काम करें। आज उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि समय आएगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है। ये जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और धारा 370 के कारण से कश्मीर के अंदर भी आरक्षण हमारे दलित भाइयों को नहीं मिलता था, आज उनको आरक्षण मिल रहा है। पुनः 370 लाकर उनका भी आरक्षण खत्म करने का जो षड्यंत्र ये रच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उसको कभी भी पूरा नहीं होने देगी। और आरक्षण जो है वो अनटचेबिलिटी पर है, छुआछात पर है, और छुआछात जब तक रहेगी, जब तक आरक्षण रहेगा, इसका बेस आर्थिक नहीं है। हम आज इस मंच से राहुल गांधी के झूठ की राजनीति का पर्दाफाश करते हैं कि वो लगातार झूठ बोल बोल कर लोगों को बरगलाना चाहते हैं। अभी हमारी दलित बहनें सभी इंतजार कर रही हैं 850 रुपये खट्टाखट कब आएंगे, कब मिलेंगे वो 850 रुपये हर महीने। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है आज जो आपके सामने आया है, और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल इसकी भर्त्सना भी करेंगे और पूरा इंडिया अलायंस का जो मंसूबे वो दिखाई देते हैं। VK News, राष्ट्र के नाम।